और जो तीसरी चीज है ना, आपने कभी सुनी नहीं होगी, और इवन मुकेश अंबानी तक उसका इस्तेमाल करते हैं, वो तीन चीजें क्या हैं जो कि एक 10 करोड़ के ऑन्टरप्रनर को 10,000 करोड़ के ऑन्टरप्रनर से अलग करती हैं। तो पहली चीज है जिसकी हम बात करेंगे, वो है फोकस। तो जो एक छोटा ऑन्टरप्रनर है ना, उसका फोकस है कि क्या काम करना है इमीडिएटली, ठीक है। और जो बड़ा ऑन्टरप्रनर है वो पहले फोकस करता है मेरी विजन क्या है, मुझे पहुंचना कहाँ पर है। तो छोटे ऑन्टरप्रनर को तो बस निकलना है, चलना शुरू कर दो, ठीक है, डेस्टिनेशन क्या है पता नहीं। बड़ा ऑन्टरप्रनर पहले तय करता है कि मैं जयपुर जा रहा हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, उसी के हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। और दूसरा पॉइंट है गोल्स। जो छोटा ऑन्टरप्रनर है उसके गोल्स तो बहुत ही छोटे हैं कि मेरी इनकम क्या होगी, मेरा प्रॉफिट क्या होगा। और जो बड़ा ऑन्टरप्रनर है वो सोचता है कि मार्केट को कैसे बदलना है, मार्केट का साइज क्या है, मैं मार्केट को डिसरप्ट कैसे कर सकता हूँ। और गाइस जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ग्रेटिफिकेशन। कि जो छोटा ऑन्टरप्रनर है उसको चाहिए इमीडिएट रिजल्ट्स, कि अभी प्रॉफिट हो जाए, इस महीने क्या मिलने वाला है, वो वेट नहीं कर सकता। जबकि बड़ा ऑन्टरप्रनर वो कहता है कोई बात नहीं, वेट करते हैं, हमें तो अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है। मुकेश अंबानी ने पूरा 1 साल तक जियो के अंदर फ्री सर्विसेज दी क्योंकि वो अपने नेटवर्क को परफेक्ट करना चाहते थे। तो आप किस तरह के ऑन्टरप्रनर हो, आपका फोकस क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपको किस तरह की ग्रेटिफिकेशन चाहिए, यू वॉन्ट शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन और आर यू पेशेंट एंड यू आर विलिंग टू वर्क फॉर द रिजल्ट्स।